वेलकम बैक, खुशामदीद नूरे रमजान की लाइव ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं। वक्त हुआ है हैया अल फलाह का। टीम हमारे पास मौजूद है, रहमत, नेमत और बरकत। अपना इंट्रोडक्शन करा दीजिए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उजैर है और मेरे साथ जुनैरा है। जी नेमत। मेरा नाम मनाल है और मेरे साथ रेदा है। क्या आपके साथ क्या हुआ, भूल गई? मेरे साथ रेदा है। कौन है? रेदा। ठीक है जी। बरकत। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साद है और मेरे साथ है तैयब रहमान। राउंड शुरू करेंगे। पहला राउंड है एमसीक्यू राउंड। आप लोगों को मालूम होगा, अगर सही जवाब देंगे तो 10 पॉइंट्स मिलेंगे, अगर गलत जवाब देंगे -5 होगा। स्क्रीन पर एक सवाल आएगा, चार ऑप्शंस होंगी। आप लोगों को बजर दबाना है जोरदार, और जब मैं बताऊंगा कि बजर किससे दबाया है फिर जवाब दीजिएगा। क्लियर? कुछ पूछना है? सांस ले लू मैं? ठीक है जी, दिखाइए जी स्क्रीन पर पहला विजुअल। पहला सवाल क्या है, कौन से सहाबी तर्जुमानुल कुरान कहलाते हैं? ऑप्शंस हैं हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, हजरत उमर फारूक, हजरत हुज़ैफा, हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। कौन से सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तर्जुमानुल कुरान कहलाते हैं? बरकत। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। गलत। फिर सोच लीजिए जल्दी से, 3 सेकंड आपके पास, सोचिए जल्दी। हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला। ऑडियंस से आता किसी को? इनको दीजिए माइक। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास। बिल्कुल सही। हायर का मोबाइल दे दीजिए इनको। दिखाइए इसी स्क्रीन पर अगला सवाल क्या है, माल की वो कम से कम मकदार क्या कहलाती है जिस पर अल्लाह ताला ने जकात फर्ज की है? खैरात, हिसाब, निसाब, तस्किया। रहमत ने दबाया है पहले। रहमत ने दबाया नहीं, बजर दबाया, रहमत ने दबाया। हिसाब। -5। सही जवाब है इसका निसाब। आगे चलते हैं, देखते हैं जी तीसरा क्वेश्चन क्या है। इमाम मालिक हदीस की एक मुस्तनद किताबुल मौता के मुसन्निफ, इमाम मालिक का लकब क्या था ये बताइए। ऑप्शंस हैं दारुल हक, दारुल इमाम, दारुल हिजरा, किताबुल खराज। दारुल, सिर्फ एक जवाब लूंगा, इनसे पूछिए। किताबुल खराज। क्या ये मुझे समझ नहीं? किताबुल खराज। गलत, गलत। इनसे पूछ लीजिए, आखिरी आखिरी जवाब लूंगा फिर तो आप चारों ऑप्शन बोल। दारुल इमाम। जी दारुल इमाम। गलत, इसका सही जवाब है दारुल हिजरा। आगे चलते हैं और देखते हैं अगला सवाल क्या है, दिखाइए जी। उन नामवर शायर सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हों का नाम बताइए जो सरिया मौता में शहीद हुए थे। ऑप्शंस हैं हजरत जैद बिन साबित, हजरत असन बिन, हजरत असद बिन जर्रारा, हजरत अब्दुल्लाह बिन रवाहा, हजरत जाफर तैयार। और मैंने मुफ्ती साहब को कहा था कि ये दोनों सवाल बहुत मुश्किल हैं। मुफ्ती साहब आए आप जरा नीचे, ऑडियंस से मार पड़वाएंगे आज आपको, मोहब्बत की मार। जी नहीं आता ना, यही तो कहा था मैंने किसी को नहीं आएगा ऑडियंस में से, किसी नहीं, तुक्का नहीं लगाना, तुक्का नहीं मारना। माइक दीजिए, माइक दीजिए। हजरत अब्दुल्ला बिन रवा। बिल्कुल सही। फोटाइल का गिफ्ट, एम्पर फोटाइल का गिफ्ट दे दीजिए इनको। अरे यार एक बच्चे को आता था, मुफ्ती साहब जीत गए यहाँ पे, यार एक बच्चे को आता था। आगे चलते हैं और देखते हैं अगला सवाल क्या है, दिखाइए जी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम सहरा में कितने दिन रोजे रखे, अपने पैरोकारों को भी रोजे रखने की तलकीन की? ऑप्शन है 40, 35, 25, 30। रहमत, एक मिनट, एक मिनट, एक रहमत। 30, 40। बस आउट। हां जी एक मिनट, इधर दीजिए, इधर दीजिए माइक, इनको दीजिए, इनको दीजिए, इनको दीजिए, इधर 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 इधर। 40। जी 40। बिल्कुल सही। हायर का मोबाइल दे दीजिए आपको। अरे आपके पास तो आपके
आपके साथ वाले को इत्तेहाद का सूट गया था, मिला? अच्छा ठीक है जी, ओके आगे चलते हैं और देखते हैं अगला सवाल क्या है। सूरह बकरा, सुनिए सूरह बकरा कुरान मजीद की तवील तरीन सूरह है। ये बताएं कुरान मजीद की दूसरी तवील तरीन सूरह कौन सी है? सूरह यासीन, सूरह रहमान, सूरह बरूद, सूरह आले इमरान। नेमत ने दबाया है सूरह यासीन। ऊंचा बोलिए सूरह यासीन। गलत, -5 सूरह रहमान। एक मिनट, हाँ जी हाँ जी, इनको इधर 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 नीचे इधर 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 सामने सामने इधर 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 पकड़ ले माइक पकड़ ले। अम्मा सूरह आले इमरान जी, बात सूरह आले इमरान। बिल्कुल सही, माइक पकड़े जरा, मैं देख ताकत कितनी है। अरे यार इतनी ताकत कहाँ से आई आपने? वो बस माइक में बोले, माइक में बोले क्या करने आई है? मारने आई हूँ। भागो ओ भागो, बच्चा मारे जी, चले मार ले, नहीं अच्छी तरह मारे बस। चले बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया, माइक ले जाओ। क्या खाती है आप, इतनी ताकत कहाँ से आई आप? बस मेरे से ताकत है ना। कैसे क्या खाती है? बस मेरे को देसी देसी कनक खाती होगी ना? हाँ देसी गन्ना। मैंने काला बाग का घी खाया हूँ इसलिए। और क्या बात, तालियां बजाए। मेरे को एक और चाहिए बेटे के लिए, बेटे के लिए एक और चाहिए जी। अच्छा ठीक चाहिए, अच्छा ठीक है अब तो माइक छोड़ दे। क्या क्या मांग जी? फर्टाइल का गिफ्ट तो दे दीजिए उनको, गिफ्ट दीजिए। आगे चलते हैं और देखते हैं स्क्रीन पर अगला सवाल क्या है, और ये राउंड का आखिरी सवाल है। देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजान के महीने को शहरे मवासात करार दिया। शहरे मवासात से क्या मुराद है? ऑप्शन है गम बांटने वाला, खुशी बांटने वाला का महीना, मगफरत मांगने का महीना, नेकियों का महीना। सोच समझ के जवाब दीजिएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजान के महीने को शहरे मवासात करार दिया है। शहरे मवासात से क्या मुराद है? सब लोग गलत तुक्के मार रहे हैं। इनसे पूछे मगफरत का महीना। खुशी का महीना। वो तो है वो तो है। इनको नेकियों का महीना। एक ऑप्शन रह गई पीछे, एक ऑप्शन रह गई है। नहीं 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 नहीं, वो मैं बताऊंगा, वो ऑप्शन है गम बांटने का महीना। हाँ जी आमिर भाई, मवासात का मतलब है गम बांटने का, हमदर्दी करने का महीना। बिल्कुल सही जी। पहला राउंड यहां पे खत्म हुआ। सेकंड राउंड से पहले ये जानते हैं कि स्कोर किसका कितना है। बरकत और नेमत है -5 -5, और रहमत ने तो कमाल ही कर दिया, रहमत के -10। लगता है आज ही कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट भी देके जाएंगे, माइनस में जा रहे हैं सारे। कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट जो आपके साथ है, अलहमरा है, इत्तहाद है, इरन रोब है, जे डॉट है, शान की बास्केट है, और कोका कोला भी है जी। आगे चलते हैं, राउंड नंबर 2 है, इंडिविजुअल राउंड है, बजर राउंड नहीं है। बरकत नेमत रहमत से अलग अलग सवाल करूंगा, दो दो सवाल होंगे। स्क्रीन पर आप विजुअल देखेंगे, विजुअल के बाद मैं आपसे सवाल, जो भी सवाल पूछूंगा उसका जवाब देना आपको। रेडी हैं? बरकत से पूछें या रहमत से या नेमत से? पहले किसे शुरू करें? बरकत से शुरू करते हैं। दिखाइए जी बरकत के लिए पहला विजुअल क्या है। SMS इतने करते हैं कि सारी सारी रात जागते हैं आप दोनों, आंखों से लग रहा है आपकी। मतलब क्या है SMS का? एब्रीविएशन की शॉर्ट मैसेज सर्विस। क्या माइक में बोलिए भाई, SMS करके आवाज। शॉर्ट मैसेजिंग सर्विसेज। शॉर्ट मैसेजिंग सर्विसेज, बिल्कुल सही। बहुत ज्यादा करते हैं, अब कह देंगे नहीं मैं तो बड़ा शरीफ। करते हैं मैसेज करते हैं रात रोज, सारा दिन सारी रात में नहीं करते,
रात में नहीं करते हैं। दिन में भी करते हैं? दिन में करते हैं, रात में नहीं। काम नहीं करते कोई? पढ़ते नहीं है? पढ़ते भी हैं, मैसेज भी करते हैं। ठीक है जी, पढ़ते भी मैसेज भी करते हैं। आपके लिए नेक्स्ट विजुअल बरकत के लिए ये है, दिखाइए जी, ये निशान हैदर है। किस खलीफा के लकब से मंसूब है? इससे ज्यादा आसान सवाल मैं कर नहीं सकता। निशान हैदर किस खलीफा, किस? हजरत अली रजी अल्लाह तआला। बिल्कुल सही, हैदर करार। इतना सोचा क्यों मेरे भाई? बहरहाल दोनों जवाब के सही हैं। आगे चलते हैं, नेमत की बारी है। नेमत के लिए दिखाइए जी पहला विजुअल क्या है। 1965 की जंग में शहीद हुए, निशाने हैदर मिला, इनका नाम बता दीजिए। पब्लिक में खामोशी चाहिए। इनका मेजर राजा अजीज भट्टी। कौन? मेजर राजा अजीज भट्टी। बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही। आगे देखते हैं, मेजर अजीज भट्टी शहीद की ये पिक्चर थी। आगे देखते हैं, वैसे ये पिक्चर फेड आउट करके भी हमें दिखानी चाहिए, लेकिन अगले उस पर चलते हैं, विजुअल पे दिखाइए जी। अंग्रेजी में इस खेल को क्या कहते हैं? टिक टैक टो। हाँ, टिक टैक टो। बिल्कुल सही, टिक टैक टो। लगता बहुत खेला है आपने, एक्सपर्ट है। अभी भी फोन में डाउनलोड। हरा देती है सबको। हाँ? अच्छा, जबरदस्त है जी। रहमत रेडी? -10 में चल रहे हैं आप भाई। देखेंगे विजुअल, दिखाइए जी विजुअल। एक मिनट, मैंने ये नहीं पूछा ये कायद का मजार है या नहीं। हाँ, इतना आसान सवाल, कायद का मजार फौरन, जाहिर सी बात है। लेकिन ये बताइए इसमें कितनी खबरें हैं इसके एतराफ? दो, दो। टाइम आप हो गया, एक और ऑप्शन है। तो कम आ रहे यार, कुछ तो बोल भाई। हाँ जी, हाँ कुछ बोले, एक और नंबर रहे, किसी को नहीं पता ये सब तुक्के मार रहे हैं। चार। एक और नंबर बोल। पांच। अरे भाई छह, मैंने गिनती थोड़ी सुननी थी आपसे, एक दो तीन चार पांच। कायदे आजम की खबर तो है, लियाकत अली खान साहब की खबर है। दो। बेगम, बेगम राना लियाकत अली खान है, मोहतरमा फातिमा जिना है, सरदार अब्दुल रब नश्तर हैं, जनाब नूरुल अमीन हैं और कायदे आजम। कुल छह क्या? अरे भाई अल्लाह माफ करे यार। सही, सही। आगे दिखाओ विजुअल क्या है यार, दिखाइए। रैम, ठीक है, लव सुना होगा आपने रैम। आर ए एम क्या मुखफ? हाँ, रैंडम एक्सेस मेमोरी। माइक में बोलिए, रैंडम एक्सेस मेमोरी। बिल्कुल सही, सेकंड राउंड हमारा खत्म हुआ और ये देखते हैं किसका कितना स्कोर है। रहमत के हैं 10 पॉइंट्स, नेमत के हैं 20 और बरकत के भी 20। भाई साहब ज्यादा खुश ना हो आप, अभी माइनस होने हैं इसमें से, तो आप तो जीरो पे आ गए हैं। सही है, चलेगा, कर लेंगे दफा। अंडा दफा कर लेंगे, खाते हैं, अच्छा लगता है। हाँ ठीक है जी, आगे चलते हैं और देखते हैं जी थर्ड राउंड की तरफ चलते हैं। इट्स अगेन अ बजर राउंड, बजर दबाइएगा, जोरदार बजर दबाइएगा। विजुअल सामने आएगा, विजुअल में चार इशारे होंगे आपके सामने, चार इशारों से आपको अंदाजा लगाना है कि हम किस चीज की बात करें या मैं सवाल करूंगा। नियरेस्ट होंगे आप मेरे जवाब के तो आपका जवाब सही मानूंगा। ठीक है जी, रेडी? दिखाइए जी स्क्रीन पर पहले चार इशारे क्या हैं। बहुत आसान, गुजरात एजाज 1965, हांगकांग। हांगकांग में पैदा हुए थे, गुजरात इनका आबाई इलाका है। बहुत आसान, बहुत आसान। अभी अभी नाम भी लिया था, अभी अभी नाम लिया था, अभी नाम। इनका टाइम अप हुआ। इन साहब से पूछिए, बहुत उछल रहे हैं। हाँ, क्यों उछल रहे हैं आप? नाम बताएं। पूछा क्या आपने? पूछा क्या है? बताए, मैं सुन रहा नहीं। सारी रात रोते रहे, आपकी आवाज नहीं आई। हसन भाई,
मेरी जान वो स्क्रीन पर देखे गुजरात एजाज 1965 हांगकांग, इससे क्या मतलब है? किनका नाम है? जंग लगी थी मेजर, आगे मेजर राजा अजीज भट्टी। कौन? मेजर राजा अजीज भट्टी, बिल्कुल सही। पोटाल का गिफ्ट दे दीजिए इनको। दिखाइए जी अगले चार इशारे क्या हैं। लाहौर, सियालकोट, इसरारे खुदी शिकवा, अल्लामा इकबाल। बिल्कुल सही। शुक्र है भाई, शुक्र है। उफ, मैंने कहा पता नहीं कहां से आए हैं सारे। आगे चलते हैं जी, देखते हैं अगला विजुअल क्या है। चार इशारे दिखाइए जी। वकील, कराची, लीडर, एक मिनट, ज़ियारत। बरकत ने दबाया पहले। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। क्या बात है। लास्ट जो चंद दिन थे बीमारी में वो ज़ियारत में गुजारे थे उन्होंने। ठीक है जी, आगे चलते हैं, देखते हैं अगला विजुअल क्या है। दिखाइए जी चार इशारे। 18 एकड़ रकबा, 196 फिट बुलंद जी, नेमत। मीनार पाकिस्तान। कैसे अंदाजा लगाया? माइक में बोलिए। बस एक फिट वगैरह का था, रुतबा वगैरह दिया। आप देखा कोई बड़ी चीज है, टॉल है, लाहौर है, तो आई गेस। ठीक है जी, 8 साल लगे थे मीनार पाकिस्तान को तामीर होने में जी। आगे चलते हैं और देखते हैं अगला विजुअल क्या है। दिखाइए जी झंडा, पाकिस्तान, तखलीक, मशहूर। चार इशारे। झंडा, तखलीक, पाकिस्तान, मशहूर। नेमत। अमीरुद्दीन किदवाई समथिंग। पाकिस्तान का झंडा, कदवाई। बिल्कुल सही, तालियां जोरदार। मुश्किल था सवाल। रहमत लगता सो गए हैं माशाल्लाह। हाँ जी रहमत, क्या हुआ? आखिरी राउंड है, क्या कर रहे हैं? बाइक नहीं चाहिए? खास मीट की बाइक है आज, नहीं चाहिए? वो आप वैसे ही दे देंगे ना? क्यों, रिश्तेदारी मेरी आपकी, रिश्तेदारी क्यों दूंगा? क्या हुआ? क्यों दूंगा? भाईचारा। भाईचारा बड़ी बात है। भाईचारे में आप भी दे दीजिए गाड़ी, में आपको बाइक दे दूंगा। जब होगी इंशाल्लाह दे दूंगा। जब मेरे पास होगी मैं भी दे दूंगा। आपके पास तो बहुत सारी है। मेरे पास तो मेरी तो नहीं है, वो तो खास मीट की है। अभी तो आपके पास है ना? अब बिल्कुल नहीं है, वो तो इन लोगों की है जो जीतेंगे। शायद आप जीती जाए, खेले ना जरा गौर से। देखें अगले चार इशारे, देखते क्या है जी। दिखाइए पाकिस्तान, नकाश, चौधरी, इमानतन तदफीन। उफ, इनकी वसीयत के मुताबिक इंग्लिस्तान में इमानतन तदफीन की गई थी इनकी। जी जी आप बताइए ना, इनको माइक दीजिए। रहमत अली को इमानतन इंग्लिस्तान में दफन किया गया। उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान का नाम तख्लीक किया। क्या बात है आपकी। हायर का मोबाइल और फोटाइल के इनको दो गिफ्ट दीजिए फौरन से जी। आगे चले जी, आगे देखते हैं अगले चार इशारे क्या हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है इस राउंड का और आपकी मर्जी है भाई। देखिए जी, 28 साल, 28 years, 1971-1943 हैदर। 1971 में शहीद हुए ये बताता हूँ आपको, 1943 में पैदाइश हुई इनकी ये बताता हूँ। जी नेमत, नेमत माइक में बोलिए, मुझे आवाज नहीं आ रही, बजर दबाए। इनके भाई आज भी बहुत ही अहम तरीन पोस्ट में हैं। रहीम शाह, आप जवाब देना चाह रहे हैं क्या? आप रिलैक्स करना चाह रहे हैं रोजे में जी? यार मैं
मैं कुछ पूछना चाह रहा था। ये जवाब ले लें इनसे। नहीं नहीं पहले मुझे सुन ले, आपने जब छेड़ा। आप, मैं कहता हूँ आप ही नहीं सुनेंगे हम। नहीं मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। छोड़ दें, ये छोड़ दें यार, हम नहीं खेल रहे। नहीं 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 नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, हम बैठे हुए देख रहे होते हैं खेल को, उधर वो टाइम भी चल रहा होता है, टिक 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 टिक, वो टाइम भी खत्म हो जाता है, फिर भी आप इन लोगों को टाइम देते हैं और फिर भी इनको जवाब नहीं आता। तो मैं नहीं, मैं जिस नतीजे पे पहुंचा ना एहसन, पता तुम क्या चाहते हो? तुम चाहते हो यहाँ से कोई खाली हाथ ना जाए। बस ये तो है ना, ये चाहते हो ना? लेकिन फिर भी खाली हाथ जा रहे हैं। फिर भी जा रहे हैं। जी नहीं आया जवाब, नहीं आया जवाब, दिखाएं जी, जवाब लेते हैं, माइक दीजिए। राशिद मेनास, मेजर अजीज भट्टी, ऊपर दीजिए माइक। निशाने हैदर, उधर दीजिए माइक, इन लोगों से पूछते हैं यार, आप बता दीजिए आप। जी राशिद मेनास, वो तो उन्होंने बोला, मैंने कहा नहीं, जागिए। राशिद मेनास, इनको दीजिए माइक, इनको दीजिए। मेजर तुफैल, मैंने बताया भी है कि आज आज भी इनके भाई जो हैं बहुत अहम पोस्ट, इनको दीजिए, इनको माइक दीजिए। मेजर मोहम्मद शब्बीर शरीफ, बिल्कुल सही, मेजर शब्बीर शरीफ शहीद, बहुत खूब, जबरदस्त बात है। और ये भाई हैं, किनके भाई हैं? अच्छा इनको इनाम तो दे दीजिए, फोटाइल का गिफ्ट तो दीजिए उनको, लाइए अंदर से लाइए और निकाल के दीजिए। बरकत नेमत दोनों ने बनाए हैं, 20-20 और अहमद की 0। आगे चलते हैं और देखते हैं विनर कौन है, विनर कौन है, फाइनल स्कोर देखते हैं। अरे रहमत है 0। पूछा था आपको अंडा पसंद है, आपने कहा था हाँ, वो देखिए मिल गया। कहते अच्छी चीज मांगनी चाहिए, बॉयल हो या हाफ फ्राई हो, अंडा तो अंडा होता है। इसके साथ जो भी कर रहे हैं आपकी मर्जी, बॉयल करें या हाफ फ्राई करें, वो आपकी मर्जी है। नेमत और बरकत में हो गया है टाई, क्या करें? एक सवाल करूंगा, बजर दबाएंगे, जवाब देंगे। इशारे क्या कर रही हैं? माइक में बोलें, क्या इशारे कर रही हैं? क्या हुआ माइक में बोलें? इसमें -5 है क्या? क्या इसमें -5 होंगे? जो जवाब देगा वो जीत जाएगा आप दोनों में से। ओके ठीक है, लाइए जी सवाल दीजिए, सवाल दीजिए, सवाल दीजिए, अभी ना दीजिएगा सवाल, एक मिनट जी। मीनारे पाकिस्तान के अहाते में किस मशहूर मशहूर पाकिस्तानी का मजार है? अल्लामा इकबाल। आपको आता जवाब? लियाकत अली खान। हफीज जालंधरी सही जवाब है, लेकिन अल्लामा इकबाल का भी करीब में ही है। एक और सवाल करेंगे इनसे, एक और सवाल करेंगे। ये बताइए 28 मई 1998 को कौन सा अहम वाकया पेश आया था? यार बहुत इजी, सवाल यहां पे रोकेंगे, पब्लिक से जवाब आ गया है। एटॉमिक बॉम्ब का क्या हुआ था 1998 में, क्या हुआ था? नहीं पता, सो रहे थे आप, पैदा हुए थे 1998 में, पैदा हुए थे 1998 में, पैदा हुए हैं 95, पता होना चाहिए यार, आपको पता था, आप तो बड़े उनसे। अगला सवाल करेंगे, एक और सवाल दीजिए। गज़वा उहद में, गज़वा उहद में किस सहाबी की तीर अंदाजी से खुश होकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि
تیر چلاؤ میرے ماں باپ تم پر قربان برکت حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ غلط اچھا ایک اور سعد بن ابی وقاص کا جواب ہے ایک اور سوال کرتے ہیں جنگ بدر سے پہلے جو قافلہ ملک شام گیا تھا اس میں قریش کے کتنے آدمی تھے جنگ بدر سے پہلے جو قافلہ ملک شام گیا تھا اس میں قریش کے کتنے آدمی تھے اچھا پاکستان کا مطلب کیا ہے بزر دبایا برکت نے بزر دبایا لا الہ الا اللہ لفظی معنی کیا ہے نعمت پاکستان میں تو وہ پروونسز آتے ہیں نہیں نہیں کر لیں کیا بولے 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 پاک زمین کیا پاک کیا لینڈ آف پیور پیپل کیا یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پاکستان سے پی اے کے آئی اس طرح سے ایبریویشن نہیں ہے اٹس ناٹ ایبریویٹڈ میرا قسم سے دل کر رہا ہے میں سارا کچھ رحمت کو دے دوں اگلا سوال ایک اور سوال کریں گے پاکستان کے کن دو صوبوں میں غور سے سنے گا پاکستان کے کن دو صوبوں میں جزائر بھی ہیں اللہ اکبر کہاں سے لائے ڈھونڈ کے آج آج یہ ٹیم کہاں سے آئی ہے کیا برکت نے بجایا کے بی کے اینڈ بلوچستان کے پی کے میں کون سا جزیرہ ایبل پختون خواہ کے پی کے میں کون سا جزیرہ میرے بھائی نوردن ایریاز میں کون سا نوردن ایریاز میں جزیرہ اچھا وہ تو لیک ہے ایک اور سوال کریں سندھ اینڈ بلوچستان ایک اور سوال 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 آ رہا ہے اچھا یہ بتائیں ایسا سوال آیا کہ جو سمجھ میں نہیں آئے گا ان کے کوئی آسان سوال کرتے ہیں یہ بتائیے غزوہ خیبر میں مرحب کو کون سے صحابی نے قتل کیا تھا حضرت علی اونچا بولیے حضرت علی شکر میرے خدایا اللہ اللہ تیرا شکر ہے لاکھ لاکھ میں جاننا چاہتا ہوں یہ ٹیمز کہاں سے آئی ہیں یہ کون ہے کہاں سے امپورٹ کیا ہے کہاں سے چائنا سے چائنا سے ٹیمز امپورٹ کیوں کہ یہ ہاں کیا بولا چائنا کی تو بہت لانگ لاسٹنگ چیزیں ہوتے ہیں بھائی اور ہماری بڑی چھی دوستی ہے اور چائنا کے لوگ تو بڑے محنتی ہوتے ہیں لیکن ان کے لیے تالیاں بجا دیجئے بریک میں نام تقسیم کروں گا تھوڑا سا بریک لیں گے ہمارے ساتھ رہیے دیکھتے رہیے نور رمضان بہت شکریہ